कल इनका एक वीडियो और ऑडियो सुना होगा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने उनके साथ काफी छेड़खानी की, दुर्व्यवहार किया। फिर यह रो रो कर कांग्रेस के मीडिया हेड पवन खेड़ा को सारी बातें बता रही थी। तो पवन खेड़ा इनसे कह रहे थे कि पार्टी के हित के लिए चुप रहो, अभी चुनाव चल रहा है। वह तो किसी ने अपना मोबाइल ऑन किया था, इसलिए सारी बातें और कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो गया, जो ये दिखाता है कि कांग्रेस महिलाओं को कितनी घटिया नज़र से देखती है। सोचिए, और यह कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा को लेकर पार्टी में हलचल मच गई है, जिसके बाद अब जल्द ही राधिका खेड़ा पार्टी से इस्तीफा भी दे सकती है। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट कर कांग्रेस नेताओं को आगाह किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस बारे में खुलासा करेगी। उनके ट्वीट से ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने यह बात किसके लिए लिखी है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस दौरान राधिका खेड़ा का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रो रही है। वायरल हो रहे वीडियो में राधिका खेड़ा की आवाज़ आ रही है, जिसमें वो फोन पर किसी से बात करते हुए बोल रही है, सर ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। आज जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, अपने 40 साल के लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। सर मेरी इंसल्ट हुई, मेरे ऊपर चिल्लाया गया है, उसका वीडियो भी बनाया गया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया। वो मेरे ऊपर लगातार चिल्लाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने इतना कहा कि इनका ट्वीट किसके लिए है, यह तो वह खुद ही बता पाएगी। राधिका खेड़ा के साथ विवाद के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। वहीं सूत्रों की माने तो प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेता और पीसीसी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से विवाद शुरू हो गया। शायद शुक्ला को उनका इंस्ट्रक्शन देना पसंद नहीं आया और विवाद हो गया। यह इतना बढ़ गया कि वे भड़क गए और राधिका खेड़ा को तमाम भद्दे भद्दे अपशब्द कह डाले। इतना ही नहीं, सुशील आनंद ने उन्हें बुरी तरह से लताड़ते हुए अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद राधिका खेड़ा रोने लगी और फिर वे दूसरे पदाधिकारियों के चैम्बर में जाकर बैठी और काफ़ी देर तक रोती रही। हालांकि अभी तक ये बातें सामने नहीं आई है, संभवतः राधिका खेड़ा प्रेस वार्ता में इन बातों का खुलासा कर सकती है। राधिका खेड़ा के पोस्ट और वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने एक वीडियो संदेश में लिखा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी का आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो सामने आया है। कौशल्या माँ की धरती में यदि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता दुखी है, तब हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बचिए राधिका, छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा, यह नरेंद्र मोदी की और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। गुप्ता ने कहा, यह महालक्ष्मी वंदन कांग्रेस पार्टी का महिलाओं को प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए देने का वादा की बात करते हैं और अपनी ही पार्टी कांग्रेस की महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इन्होंने महिला का अपमान किया है, अब कांग्रेस का विनाश तय है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।